वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर फोर एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम का सेकेंड पार्ट। इसके पहले के पार्ट में हमने देखा कि कैसे डॉग की स्पिरिट ओल्ड मैन की ड्रीम में आती है और उसको बोलते हैं कि पाइन ट्री से क्या बनाना है, मॉर्टर और मिल बनानी है, ठीक है। और फिर मॉर्टर और मिल में से क्या निकलता है, गोल्ड निकलता है। ये देखकर जो विक्ट कपल रहते हैं, बुरे वाले कपल, वो उसको चुरा लेते हैं, ठीक है, अपने घर लेके जाते हैं और सेम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, लेकिन उनके यहाँ क्या निकलता है, मॉर्टर और मिल में से वर्म्स निकलते हैं, ठीक है। तो वो गुस्से में उसको तोड़ फोड़ के जला देते हैं। अब देखते हैं इस पार्ट में क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द विक्ट पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। फिर बहुत जल्द फिर से डॉग की स्पिरिट है ना, उस ओल्ड मैन, अच्छे वाले ओल्ड मैन के सपने में आती है और सब कुछ बता देती है कि कैसे उन बुरे कपल ने किसे, हाँ, जो मिल थी, हैंड मिल और मोटर को जला दिया है। और फिर बोलता है टेक द एशेज ऑफ द मिल स्प्रिंकल देम ऑन द विथर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन सेड द डॉग स्पिरिट। फिर से डॉग की जो आत्मा रहती है वो क्या बोलते हैं कि अब उन्होंने तो जला दिया है, अब उनकी जो राख है उसे कलेक्ट करो और वो कहाँ आपको स्प्रिंकल करनी है, स्प्रिंकल मतलब स्प्रेड करना है, छिड़कना है, ठीक है। विथर्ड, विथर्ड का मीनिंग क्या होता है, बेयर एंड ड्राई, मतलब रूखे सूखे पड़े से जो प्लांट है ना उन पर स्प्रिंकल कर दो, ऐसा बोलता है, ऐसी बोलती है डॉग की स्पिरिट, ठीक है। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ट नेबर्स हाउस वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पनिंग। फिर जैसे ही स्पिरिट उसे ये काम बताती है ऐश कलेक्ट करने का, ओल्ड मैन मतलब जाग जाता है और अपने नेबर के घर जाता है, ठीक है, जहाँ पे जाने के बाद वो देखता है मिजरेबल, मिजरेबल का मीनिंग क्या होता है, दुखी, ठीक है, दुखी से वो दोनों रहते हैं, ठीक है, ओल्ड पेयर कहाँ बैठे रहते हैं, अपने फायर प्लेस के पास बैठे रहते, चूल्हे के पास स्मोकिंग एंड स्पिनिंग कर रहे होते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद अ ब्लेज फ्रॉम सम बीट्स ऑफ द मिल। और क्या कर रहे होते हैं, टाइम टू टाइम, समय समय पर अपने हैंड और लेग्स को वार्म भी कर रहे होते हैं, वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस। और उनके पीछे तो बहुत सारे मतलब ऐसे लकड़ी के या फिर मिल के टुकड़े पड़े हुए रहते हैं। The good old man humbly ask for the ashes. जो good old man रहता है वो humbly, humbly का meaning क्या होता है, एकदम नम्रतापूर्वक, ठीक है, politely उनसे पूछता है कि क्या मैं ये ash लेके जा सकता हूँ। Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. Covetous मतलब क्या होता है, लालची। तो जो लालची couple रहते हैं, अब ये जो अच्छा वाला ओल्ड मैन था वहाँ पे राख मांगने के लिए गया था, लेकिन जैसे ये जाता है इसको देखकर वो उसे स्कोल्ड मतलब डांटने लगते हैं, जैसे कि ये कोई चोर हो और चोरी करने आया हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज। लेकिन फिर उनको लगता है कि चलो ये तो सिर्फ ऐश ही मांग रहा है, तो फिर वो जो विक्ट कपल है वो उसे राख ले जाने देते। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन took his wife into the garden. जैसे ही वो घर आता है राख के साथ अपनी वाइफ को गार्डन में लेके जाता है। इट बीइंग विंटर, विंटर सर्दी का सीजन चल रहा होता है, देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। उनका जो फेवरेट चेरी का प्लांट था वो एक कैसा था, बेयर मतलब रूखा सूखा सा पड़ा हुआ था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट। और देखो फिर क्या होता है, कितनी ऐश वो स्प्रिंकल करते, पिंच पिंच मतलब एक चुटकी, ठीक है, इतनी सी राख वो स्प्रिंकल कर देते उस प्लांट पे। एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर। और फिर क्या होता है, जैसे वो एक पिंच ऐश वहाँ पे स्प्रिंकल करते हैं तो प्लांट एकदम से खिल उठता है और पिंक कलर के फ्लावर फ्लावर वहाँ पे उगने लगते हैं, ठीक है, थीके? और फिर फ्लावर की खुशबू मतलब यहाँ पे बोला है परफ्यूम द एयर, जो मतलब खुशबू रहती है वो एयर में मिक्स हो जाती है। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज
एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर। और फिर ये जो न्यूज़ है पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग ये आश्चर्य देखने के लिए वहाँ पे आते हैं। वंडर मतलब आश्चर्य। द कोविटस कपल अल्सो हर्ड द स्टोरी। जो कोविटस मतलब लालची कपल जो थे वो भी ये स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल कीप देम टू मेक वदर ट्रीज ब्लॉसम। और जो उनके घर में पड़ी रहते ना मिल की जो राख रहती है, फिर से वो लोग भी क्या करते हैं उसे कलेक्ट करते हैं और जो विथर्ड प्लांट है उन पर वो छिड़कना चाहते हैं। द काइंड ओल्ड मैन, और अब ये किसकी बात चल रही है, अच्छे वाले ओल्ड मैन की, ठीक है। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस। फिर जैसे ही इस काइंड ओल्ड मैन को पता चलता है कि उसका लॉर्ड डेमियो जो हाईवे वाला रोड है वहाँ से जाने वाले हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है ओल्ड मैन, अपनी बास्केट जो रहती है उसके राख की वो लेकर जाता है हाईवे पर। एज द ट्रेन अप्रोच ही क्लाइम अप इनटू एन ओल्ड वदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। जैसे ट्रेन मतलब यहाँ पे देखो मीनिंग क्या लेना है हमें, प्रोसेशन। अब यहाँ पे देखो प्रोसेशन का मीनिंग क्या होता है, फिर से जुलूस बोल सकते हैं, ठीक है, जुलूस, बारात टाइप्स, या फिर क्या बोलेंगे इसे, रैली टाइप्स, ठीक है। तो जैसे ट्रेन आती है तो ओल्ड मैन चढ़ जाता है एक चेरी के पेड़ पर, जो कि कैसा होता है, विथर्ड मतलब रूखा सूखा सा होता है, ठीक है। और कहाँ होता है ये पेड़, वे साइड मतलब रास्ते के साइड में होता है। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमियोज इट वॉज अ कस्टम। तो डेमियो के टाइम पे ऐसा कस्टम था, ऐसी प्रथा थी, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज। जब भी लॉर्ड उनके सामने से अगर जाता है उनके घरों के पास से या फिर किसी रास्ते से, तो उस रास्ते में आने वाले सभी लोग या फिर जितने घर है उन सबको क्या करना है, जितने भी हाई विंडोज है ना उनको क्लोज करना है। मतलब जो लॉर्ड है वो तो नीचे से जाएंगे, बराबर है, लेकिन विंडोज अगर हाई है तो कोई ऊपर से उनको देखे, ठीक है, नीचे है तो ऐसा उनको पसंद नहीं था। तो जो हाई विंडोज रहती थी उनके जो डोर थे ना वो क्लोज करने पड़ते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। अब देखो इम्पर्टिनेंस मतलब क्या होता है, दृष्टता, धिटाई, मतलब कोई भी ऐसे धिटाई या फिर दृष्टता अपने लॉर्ड को नहीं दिखा सकता था। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास बाय। सभी लोग क्या करते थे, बाहर निकलते थे और घुटनों के बल नीचे बैठे रहते थे, ठीक है, और नीचे देखते थे, कभी भी मतलब अपनी गर्दन ऊपर करके वो नहीं देखते थे जब तक ये प्रोसेशन मतलब ये जुलूस ख़त्म नहीं हो जाता, चला नहीं जाता, तब तक वो ऐसे ही रहते थे। द ट्रेन ड्रू नियर वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज। फिर क्या होता है, जैसे ट्रेन आती है एक बड़ा सा आदमी आता है और बोलने लगता है गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, मतलब सभी लोग घुटनों के बल बैठ जाओ, सब लोग घुटनों के बल बैठ जाओ। एंड एवरी वन नल डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग। और सभी लोग फिर क्या करते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं जब तक प्रोसेशन वहाँ से नहीं निकलती। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree। फिर क्या होता है, अचानक है ना उसकी नज़र उस ओल्ड मैन पे जाती है जो कि पेड़ पर चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब ये ओल्ड मैन अच्छा वाला ओल्ड मैन है, ठीक है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय। तो फिर वो उसे बहुत एंग्री टोन में मतलब गुस्से से उसको बुलाने वाला रहता है, लेकिन फिर सोचता है कि नहीं चलो ये तो बहुत ही बूढ़ा है, बूढ़ा आदमी है, तो उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता है। सो व्हेन द डेमियोस पालंक्विन। अब देखो पालंक्विन का मीनिंग क्या होता है, रॉयल वैन कार्ट मतलब पालकी, ठीक है।
ड्रू नियर जैसे पास आती है, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम। तो जैसे हम जो मतलब डेमियो थे उनके पाल की जैसे उस चेरी के प्लांट के पास आती है तो ये ओल्ड मैन क्या करता है, एक पिंच ऐश जो है ना वहाँ पे छिड़क देता है, और जैसे छिड़कता है क्या होता है, ट्रीज जो है वो ब्लूम करने लगता है। तो ये जो मतलब वंडर था ये अभी डेमियो ने भी देखा था, लेकिन उनको पता नहीं कि ये किया किसने था। ठीक है, द डिलाइटेड डेमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। तो फिर ये जो डेमियो था ये ऑर्डर करता है कि अब इस जुलूस को यहीं पे रोको और ये जो वंडर, ये जो आश्चर्य हुआ है ये कैसे हुआ है इसका पता लगाओ। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उस बूढ़े आदमी को बुलाते हैं, ठीक है डेमियो, ही थैंक हिम और उसे थैंक्स बोलते हैं और ऑर्डर करते हैं प्रेजेंट देने का, सिल्क रोब्स, स्पंज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम। उस ओल्ड मैन को इतने सारे रिवार्ड वो डेमियो देता है। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, कैस्टल मतलब महल, ठीक है, और डेमियो क्या करते हैं अपने महल में इस ओल्ड मैन को बुलाते भी है। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर ही जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। तो फिर ये जो ओल्ड मैन था ये क्या करता है, फिर ये जो मतलब अच्छी जो न्यूज़ थी ये अपने वाइफ के साथ शेयर करने घर जाता है। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. लेकिन जैसे greedy neighbor है ना, जब ये सुनते हैं कि डेमियो ने ऐसा किया इस ओल्ड मैन के साथ, तो वो भी क्या करता है, ऐश पकड़ता है और चला जाता है एक प्लांट के पास जो कि विथर्ड है, हाईवे के पास वाला, ठीक है। देयर ही वेटेड अंटिल अडेमियोज ट्रेन केम अलॉन्ग एंड इंस्टेड ऑफ नलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम अ विथर्ड चेरी ट्री। और फिर वहाँ पे जाके वेट करता है कि कब मतलब ट्रेन यहाँ से जाएगी, मतलब उनका जुलूस यहाँ से जाएगा और ये क्या करेगा, पेड़ पर ऐश छिड़केगा, ठीक है, राख छिड़क देगा। तो इसके वेट में वो रहता है, ठीक है। वेन और सभी लोग कैसे रहते हैं, अपने घुटनों के बल बैठे हुए रहते हैं, और ये जो विक्ट मतलब बुरा ओल्ड मैन है ये क्या करता है, विथर्ड चेरी के प्लांट पर जाके ऊपर जाके बैठता है। वेन द डेमियो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डेमियो उस प्लांट के पास आता है, उसकी ट्रेन जब वहाँ पे आती है, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री। तो क्या करता है ये ओल्ड मैन, एक मुट्ठी भर राख है ना उस पेड़ पर छिड़क देता है, ठीक है, विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल। और फिर देखो इससे तो कुछ भी उस प्लांट पे कोई अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ। फिर क्या होता है, देखो प्लांट तो जैसा था विथर्ड ही रहता है, रूखा सूखा सा ही रहता है, लेकिन उसने जो मुट्ठी भर राख उस पर छिड़की थी ना वो नीचे आती है, डेमियो और उनकी वाइफ दोनों के आँख नाक में चली जाती है, ठीक है। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग इट स्पॉइल ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। सभी लोग मतलब छींकने लगते हैं, ठीक है, ठीके? और जो प्रोसेशन मतलब जो जुलूस है ना उसकी डिग्निटी क्या होती है, गरिमा, उसकी इज्जत सब खराब हो जाती है इसकी वजह से। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road। फिर जो मतलब पालकी के पास जो आदमी रहता है वो जाता है, उसको उसका कॉलर पकड़ के लेके आता है, उसको बहुत मारता है, उसकी जो बास्केट रहती है ना ऐश की उसे फेंक देता है, और इस ओल्ड मैन को भी बहुत पीटता है। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और बहुत बुरी तरीके से पीटने के बाद उसको मरने के लिए वैसे ही छोड़ देता है। दस द विक्ट ओल्ड मैन डाइड इन द मर्ड, और ऐसे ही फिर क्या होता है, जो विक्ट ओल्ड मैन है बुरा ओल्ड मैन वो मर्ड में ही मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन डॉग के जो काइंड फ्रेंड थे उसके जो मालिक थे, dwelt in peace and plenty and both he and his wife lived to a green old age। वो फिर आगे अपनी अच्छे से लाइफ गुजारते हैं, ठीक है। तो इस स्टोरी के ऑथर हैं विलियम एलियट ग्रिफिस। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।